Hello students, so this is standard 9th and we are going to study history and political science. तो बच्चों हम लोग इसके पहले कक्षा 8वीं तक SST social studies ये integrated book पढ़ते थे. अब standard 9th से हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और एक दूसरी बुक ज्योग्राफी, तो ये दो किताबें अलग हो चुकी है. ये आपकी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है. आपको ये बुक बहुत छोटी दिखाई दे रही है लेकिन इसमें दोनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं. इधर हिस्ट्री दिया हुआ है और पीछे में पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस में टोटल 6 लेसन दिए हुए हैं और इधर हिस्ट्री में टोटल 10 लेसन दिए हुए हैं. तो बच्चों इसमें हम लोग अभी तक साथ में पढ़ते थे हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस. अभी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस पर एक ही पेपर रहेगा जो 40 मार्क्स का होगा और ज्योग्राफी पर जो दूसरा पेपर होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा. दोनों सब्जेक्ट पर 10-10 मार्क के इंटरनल जो हम लोग वर्क करते हैं इंटरनल मार्क दिए जाते हैं वो 20 मार्क होते हैं. तो 20 और ये 40 प्लस 40, तो इस तरह से आपका जो रिटर्न पेपर होगा 40 प्लस 40 का होगा तो ये 80 मार्क्स हो जाते हैं. इसमें प्लस 20 इंटरनल मार्क जुड़ेगा जिसमें आपके जो असाइनमेंट है जो हम लोग टेस्ट लेंगे दो वो जो है इसमें 20 मार्क्स में इन्वॉल्व होते हैं. आपके असाइनमेंट, आपका होमवर्क, आपकी राइटिंग स्किल, फिर आपको जितना भी इंटरनल वर्क दिया जाता है वो आप किस तरह से करते हैं वो इस 20 मार्क पे डिपेंड करता है. इसके बिना आपके 100 मार्क कंप्लीट नहीं होते. तो इस तरह से ये तो हो गया पेपर किस तरह से पैटर्न में रहेगा उसकी जानकारी शॉर्ट में. इसके बाद हम बाद में डिटेल जानकारी लेंगे. अब हम टॉपिक पे आते हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री. तो बच्चों हिस्ट्री में अब तक हमने क्या पढ़ा, तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो थी मॉडर्न हिस्ट्री. उसके पहले आपने 7th स्टैंडर्ड में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी, उसके पहले एंशियंट हिस्ट्री. तो ये जो पीरियड्स है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो समाज है, सोसाइटी है, उसके कई सारे पैटर्न्स होते हैं और वो सारे पैटर्न्स अपने अपने लेवल में चेंज होते रहते हैं. तो इस पर से हिस्ट्री का मतलब क्या हो जाता है कि स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी. अब हम 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले, तो हमने 8th स्टैंडर्ड में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी. अब इसमें आप पूछेंगे कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ या फिर इंडिया का बाहर के देशों से कैसा रिलेशन रहा. इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो बाहर देशों की तुलना में कहाँ तक है, ये सब जानकारी 9th में हम पढ़ने वाले हैं. तो हम जब भी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं अगर आपको कोई न्यूज़ दी जाए तो आप सबसे पहले पूछते हैं आपने ये न्यूज़ कहाँ देखा, आपको ये इसके बारे में किसने बताया, कब बताया, कैसे बताया, मतलब आप क्या जानना चाहते, सोर्स के बारे में जानना चाहते कि
कि इसके पीछे का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से प्राप्त हुई। तो उसी तरह से हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है केवल कल्पना का कार्य नहीं है, क्योंकि ये हमारा पास्ट है और पास्ट में जैसे प्रेजेंट में जी रहे हैं उसी तरह से हमने पास्ट में भी कुछ न कुछ किया होता है, तो उसका हर एक इवेंट हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई जानकारी ली जाती है तो एक सोर्स के आधार पर ली जाती है और इसीलिए हिस्ट्री बिना सोर्स के पढ़ी नहीं जा सकती। और इसीलिए हमारे लेसन का फर्स्ट लेसन का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सोर्स का बड़ा महत्व है। तो ये जो सोर्सेस है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जब तुर्की लोग आए तुर्कस्तान से तब मेडिवल पीरियड की शुरुआत होती है, और जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिश, तब मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। अब जब अंग्रेज चले गए आजादी मिल गई, कब मिल गई, 15th of August 1947। तो उसके बाद हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसमें जो बदलाव आए तो वो बहुत ही काउंटेबल थे, और इसीलिए ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा है इसकी स्टडी अलग से की जाती है। तो 9th स्टैंडर्ड में बच्चों हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके हाथों में हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपका टॉपिक क्लियर होते होते रह सकता है। और इसीलिए आपको एक नज़र में अपनी किताब रखनी है और वीडियो देखना है। तो जब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट किस आधार पे हुआ उसकी बात करेंगे। तो अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं कि यदि हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की स्टडी करनी है तो सोर्सेस क्या है, किन सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की स्टडी करेंगे, तो सबसे पहली बात आएगी रिटर्न सोर्सेस। सबसे पहले हम रिटर्न सोर्सेस की बात करें, उसके बाद कौन सी चीजें हैं, जैसे मटेरियल, तो मटेरियल सोर्सेस। उसके बाद जो तीसरा है ओरल सोर्सेस, और चौथा जो सोर्स दिया है ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो विजुअल सोर्सेस, हर पीरियड की स्टडी करते समय हमें सोर्सेस की आवश्यकता पड़ी थी। स्टैंडर्ड 6 में हमने एंशियंट पीरियड की स्टडी की तो हमको उसमें रिटर्न सोर्सेस तो था नहीं, मटेरियल सोर्सेस में जो जो अपने आदि मानव थे उनके समय से जो जो इंस्ट्रूमेंट मिले उनके आधार पर स्टडी की गई। फिर जैसे जैसे रिटर्न सोर्सेस के पहले ओरल सोर्सेस मिलते थे, ओरल सोर्सेस के आधार पे हम लोग स्टडी किए। फिर जैसे जैसे इन्वेंशन होते गया तो अब आजादी के बाद की जब हम पढ़ाई करेंगे इसके लिए तो ये चार चीजें जनरली, अब ये तो सोर्सेस हो गए लेकिन और भी सोर्सेस हैं। तो हिस्ट्री में अब इतना स्कोप बढ़ गया है कि हिस्ट्री में क्या करते हैं, जब हम मॉडर्न पीरियड की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ रीजनल सोर्सेस भी लेने पड़ते हैं। रीजनल सोर्सेस हो गया, फिर स्टेट में अपना जो स्टेट है, फिर नेशनल लेवल
पर जो सोर्सेस अवेलेबल है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो सोर्सेस उपलब्ध है उनका भी विचार किया जाता है। तो जब हम सोर्सेस की बात करेंगे तो ये सब सोर्सेस हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने होंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारा पहला सोर्स है रिटन सोर्सेस। तो रिटन सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला सोर्स दिया हुआ है न्यूज़पेपर। दूसरा सोर्स दिया हुआ है पीरियडिकल, फिर डायरीज, उसके बाद रेफरेंस बुक, नेक्स्ट करेस्पोंडेंसेस, उसके बाद यह है डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स, फिर गवर्नमेंट्स गैजेट्स, उसके बाद दिया हुआ है पोस्टेज स्टैम्प, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर एनसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी है। तो बच्चों ये कुछ रिटन सोर्सेस हैं, जिसमें न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स, डायरीज, तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर के बारे में हम डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। ये जो पीरियडिकल्स होते हैं, पीरियडिकल में पीरियडिक वर्ड आता है, तो ये कुछ समय के अंतराल पर आते रहते हैं, इसलिए इनको पीरियडिकल कहा जाता है। हिंदी में इनको नियतकालिक बोला जाता है, यानी एक नियत यानी निश्चित समय पर ये आते हैं, इसीलिए इनको पीरियडिकल्स कहा गया। डायरीज जानते हैं आप, रोजनामा हिंदी में, मराठी में रोजनिशी कहते हैं। रेफरेंस बुक्स, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं किसी लेसन के अंत में आपने देखा होगा कि इस लेसन के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप फलानी बुक को रेफर कर सकते हैं, तो रेफरेंस बुक्स। करेस्पोंडेंसी यानी क्या होता है, इसको बोला जाता है पत्राचार, यानी पत्रों के द्वारा भी हमें जानकारी हासिल हो सकती है। आर्काइव यानी क्या, तो आर्काइव यानी जहां पर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, इसको बोला जाता है पूरा लेखागार। और गवर्नमेंट गैजेट्स बोला गया है, गैजेट्स का मतलब होता है राजपत्र। उसके बाद में पोस्टेज स्टैम्प और एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश। तो इस तरह से ये सब रिटन सोर्सेस है। सबसे पहला आपके बुक में दिया हुआ है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के पहले ये जो डू यू नो करके बॉक्स दिया है, इसमें आर्काइव की जानकारी दी है, क्योंकि ये शब्द आप लोगों के लिए शायद नया सा है, तो इसे समझना जरूरी है। तो आर्काइव यानी क्या, तो द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जाते हैं उसको आर्काइव बोला जाता है। वहां जाकर हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए रिलेटेड पीरियड की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब जैसे अपने इंडिया का हम विचार करते हैं, तो इंडिया में जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। ये दिल्ली में है इसका ऑफिस,
और ये बहुत बड़ा आर्काइव है, और ये आर्काइव जो है पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अमाउंट द आर्काइव्स इन एशिया, तो सीधा लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में ये सबसे बड़ा आर्काइव है। उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी है इसके चार पिलर्स होते हैं। अब कहोगे ये चार पिलर्स कौन से होते हैं, तो पहला तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया संसद, फिर तीसरा क्या है सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा पिलर्स होता है मीडिया। और मीडिया में सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया होता है न्यूज़पेपर। जब सारे मीडिया नहीं थे तब न्यूज़पेपर था, और ये इसीलिए इसको बोला जाता था कि न्यूज़पेपर आर कंसीडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको यहाँ से भी आपको देखते रहना है। जब मैं जानकारी दूँ तो आपकी एक नज़र आपके टेक्स्ट बुक पर रहनी जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि न्यूज़पेपर एक फोर्थ पिलर है, मेजर मीडियम है, और 1961 से लेकर 2000 तक ये जो न्यूज़पेपर्स है इनके कोई भी अल्टरनेटिव्स अपनी कंट्री में उपलब्ध नहीं थे, इनका कोई पर्याय नहीं था। न्यूज़पेपर ही, प्रिंट मीडिया ही सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स था 1961 से लेकर 2000 तक, और इसीलिए इसको बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब लेकिन 1995 की बात है, हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी, इन्होंने क्या किया, हमारे देश में इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया। और तब क्या हुआ, उस समय के जो हमारे सिस्टम के जो धोरण थे या सिस्टम के जो उदारमतवाद था जिसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है, यहाँ पर दिया है विद लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इन इंडिया एंड अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल एट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल। यानी 1995 में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ, लिबरलाइजेशन और वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, इसकी वजह से प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कम तो हुआ लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आज भी इतना ही पावरफुल है। न्यूज़पेपर से हम जानकारी हासिल करते हैं, तो थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। Most national newspapers have started their regional editions. They publish supplements that give information about various topics, newsletters of various movements, the dailies and weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. Such supplements help us understand the important event of the year. So students, why newspapers are very important? Because we get important news of international affairs, politics,
आर्ट स्पोर्ट सो कल्चरल अफेयर्स। तो इस तरह से हम जो ये न्यूज़पेपर्स है इससे कई तरह की जानकारी हासिल करते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ की बात करता है। उसके बाद क्या है कि रीजनल लेवल से लेकर के तो इंटरनल लेवल तक हम न्यूज़पेपर से जानकारी हासिल करते हैं। इसमें कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, कई मूवमेंट्स चल रही होती है उनकी डेली इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर देता है। कुछ न्यूज़पेपर डेलीज और वीकलीज पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ डेलीज और वीकलीज न्यूज़पेपर होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो कई बार सप्लीमेंट्स ऑफ इयर्स इंफॉर्मेशन, तो पूरे साल भर की कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है जैसे एक ईयर खत्म होता है, अभी अगर 2019 या 20 खत्म होगा तो लास्ट मंथ में जनवरी से लेकर के तो लास्ट मंथ तक जितने इवेंट्स हुए उनका जो सप्लीमेंट है वो उसमें जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में ये जो बेसिक सोर्सेस है, फिर ये जो क्षेत्र के आधार पर सोर्सेस होते हैं और इसमें रिटर्न सोर्सेस जो होते हैं इनका इंट्रोडक्शन लिया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंट मीडिया में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका क्या महत्व है वो पढ़ेंगे। आशा है आपको ये समझ आया होगा। फिर भी क्वेरीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।